हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लापिस है। वेलकम बैक टू टेक्निकल अपडेट। तो आज हम बात करने आए हैं व्हाट्सएप और मैक्स प्लेयर के बारे में। मैक्स प्लेयर और व्हाट्सएप की जो कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले मैक्स प्लेयर की ही ट्रिक शुरू कर लेते हैं। तो जो तो आप सभी जानते होंगे कि मैक्स प्लेयर के जहाँ पे स्वाइप करने से ये ब्राइटनेस कम और बढ़ जाती है, और जहाँ पे इधर साइड पे स्वाइप करने से वॉल्यूम कम और बढ़ जाती है, और ऐसे स्वाइप करने से इसकी जो वीडियो है वो आगे और पीछे जा चली जाती है। तो ये तो होगी ना नॉर्मल ट्रिक जो सभी जानते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक जो आप शायद नहीं जानते। तो अगर यहाँ पे लॉक पे मैं टिक लगा देता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे मैं बीच में स्क्रीन में कहीं भी टच करता हूँ तो ये फिर से आते हैं ऐसे। तो ये आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इस ट्रिक को मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है जहाँ पे वीडियो के ऊपर जो तीन डॉट आ रहे हैं, याद रखिए इससे पहले आप वीडियो को ओपन ज़रूर कर लें। अगर वीडियो ओपन होगी तभी आप ये ट्रिक को आगे कर पाएंगे। अगर वीडियो को आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर तीन डॉट होंगे, वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डिस्प्ले के क्लिक करने के बाद नीचे आएगी सेटिंग, तो वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगी थर्ड नंबर पे, ये रही कंट्रोल। तो आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है जहाँ पे होगी ये, देखिए मैंने सेलेक्ट किया है किड लॉक। तो जो आपका होगा वो सिर्फ लॉक सेलेक्ट होगा, तो आप यहाँ पर किड लॉक कर दीजिए। तो फिर वो ट्रिक जो ये लोकली है आपके वहाँ पर किड्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इन इस किड्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पे और यहाँ और नीचे और जहाँ पे टच करना होगा तो ये अनलॉक हो जाएगी ऐसे, तो ये अनलॉक हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप मैक्स प्लेयर में ही अपनी वीडियो को हाइड कर सकते हैं, आपको किसी और ऐप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कोई पूरा फोल्डर वीडियो को हाइड करना है, जैसे इस फोल्डर है ये पूरा, तो इसे मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं तीन डॉट पे सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे हाइड की ऑप्शन आ जाती है, तो मैं इस पूरे फोल्डर को हाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी एक ही वीडियो को हाइड करना है, जैसे चलिए ये वीडियो ले लेते हैं, अगर मुझे इसे ही हाइड करना है तो मैं जहाँ पे तीन डॉट पे जाता हूँ जहाँ पे जो हाइड की ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे नीचे एक पर्सन का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे इसका रीनेम खुल जाएगा आगे, तो यहाँ पे मुझे सबसे आगे डॉट डाल देना है। डॉट डाल दूंगा, जहाँ पे एक बिंदी डाल दूंगा तो इसे ओके कर दूंगा, तो ये वीडियो जो है गायब हो जाएगी। तो और इसे कहाँ से कैसे शो करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे आपको वीडियो किसी वीडियो को ओपन नहीं करना, जहाँ पे ऊपर आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से बैग आ जाइए, जहाँ पर आप तीन डॉट को आपको दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर जाइए सेटिंग पर, सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आगे जाइए लिस्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी जहाँ पर शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, यहाँ पे नीचे टिक कर दीजिए और यहाँ से बैक आ जाइए। तो ये देखिए जो वीडियो थी वो यहाँ पे वापस हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आप इसे कि जो मैंने डॉट लगाई थी इसके आगे इसमें हटा देता हूँ। तो ये थी वीडियो हिडन करने की ट्रिक। तो आई होप आपको मैं एक्सप्लेन की ये ट्रिक के बारे में आपको पहले नहीं पता था, तो अभी आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं व्हाट्सएप की ट्रिक्स। तो ना चलिए यहाँ पे व्हाट्सएप की जो कुछ ट्रिक है उसके बारे में आपको बता दूँ। चलिए मैं यहाँ पे अपना एक ग्रुप ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने ये अपना ग्रुप जो है ऑन किया है, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ इसका जो टाइपिंग हम करते हैं, इसके जो टाइपिंग फॉन्ट जो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हेलो मैंने लिखा है ये तो सिंपली फॉन्ट हो गया ना इसका, तो आप इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा है हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको लास्ट पे स्टार और स्टार्टिंग पे भी स्टार डाल देंगे तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं उससे थोड़ा मोटा शो हो रहा है। तो अगर आप और भी फॉन्ट देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे लिखना होगा हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको लास्ट पे जे लाइन डाल देनी है और स्टार्टिंग पे भी जे ही लाइन डाल देनी है। तो उसे सेंड कर देते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा उससे स्मॉल और बिग साइज़ का जो फ़ॉन्ट जो हो चुका है। तो अगर आप और भी फ़ॉन्ट देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप टाइप कीजिए हेलो फ्रेंड्स, और जहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस को, और जहाँ पे फिर स्टार्टिंग से यही डाल देता हूँ, तो ये इसके बीच जो लाइन आ चुकी है। तो एक और फ़ॉन्ट है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। जहाँ पर मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, तो आपको जहाँ पर जाना है ये तीन बार से आपको जहाँ पर
डालना है। तो यहाँ पे फिर से आपको स्टार्टिंग पे, सॉरी, तो यहाँ पे आपको फिर से स्टार्टिंग पे 3 बार इसे ही टाइप करना है, तो जिसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये थी व्हाट्सएप के फ़ॉन्ट्स की ट्रिक। तो अब मैं बताता हूँ आपको व्हाट्सएप की कुछ और ट्रिक के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो चलिए मैं फिर से अपना ग्रुप जो है उसे ऑन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए हैं, कई बार क्या होता है हम ग्रुप, जैसे हमारा कोई पर्सनल ग्रुप है तो उसमें कोई बहुत सारे फ्रेंड जो रिप्लाई करते हैं, अगर आप सिर्फ उसी को रिप्लाई देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसकी जो लिंक है किसी की वीडियो का, तो उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ऊपर, जहाँ पे आपको जी आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे इस वीडियो का जी आ जाता है, इसमें जहाँ पे ले देता हूँ नाइस, तो यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ, तो इसे पता चलेगा कि जी इसी को मैं जी आप इस पर क्लिक करेगा तो इसे पता चल जाएगा जी मेरी वीडियो का जो इसने मैसेज दिया है। तो चलो ये तो हो गया इसकी। अगर आप कोई वीडियो जहाँ कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो तो होगी, यहाँ चलो ये पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये फोटो है, अगर आप इसे अभी डाउनलोड नहीं करना चाहते, अगर बाद में करना चाहते हैं, तो आप तो जानते हैं कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, देखिए कैसे कैसे भी आते हैं, तो जैसे ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो अगर आप किसी भी को बाद में डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी अगर जहाँ कोई वीडियो हो, अगर आपके पास डाटा कम है, जब आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो कैसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे स्टार होगा, यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर दोगे, तो अगर बाद में जहाँ से आप बेशक चैट क्लियर भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको जाना यहाँ पे 3 डॉट जो आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा है स्टार मैसेज, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी वो जो यहाँ पे पिक आपने स्टार पे क्लिक कर दिया था उस सेलेक्ट करके, तो वो पिक यहाँ पे आ गया। अगर कोई वीडियो को आप बाद में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की जो व्हाट्सएप और मैक्सप्लेयर की ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिलेगा। मेरे फ्रेंड्स का एक चैनल है जिदी बॉयज, जिसपे वो फनी वीडियो अपलोड करता है कॉमेडी वगैरह की, तो प्लीज आप उनके चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार फिर से बता दूं, उनके चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेडी वीडियो को एंजॉय कीजिए।